हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन प्लान हिस्ट्री का हिंदी में। महात्मा गांधी आज का टॉपिक है और ये एक माइक्रो टीचिंग की फाइल भी है। उसमें आपको क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो पूरा लेसन प्लान देखेंगे कैसे बनाना है, और आपको यहाँ पर एक मॉडल लेसन प्लान भी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो है अपना टॉपिक पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाली चीज़ें लिखनी है। तो वर्स्ट, जो वेरी फर्स्ट थिंग होती है जो हमें करनी होती है अपना, हमें पता है सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर है उसको क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है ना। इंट्रोड्यूस मतलब कि वो हमें बताना होता है, तो प्रस्तावना कौशल उसे हम कहते हैं। उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जब भी आप कोई चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेकर जाएंगे, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो आप जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे उसमें आपको ये जो घटक हैं ये आपको सब में सेम ऑलरेडी लिखने हैं, है ना। ये 8 हैं, ये आपको लिखने हैं हर किसी लेसन प्लान से पहले। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा कि कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंध। कि जब भी आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कि कथन और प्रश्न जो हैं उसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको आप उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कथन व प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध। भाई जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका, उस चैप्टर से जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका, जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उससे संबंध होना चाहिए। ऐसा ना हो आप क्वेश्चन कहीं और के पूछ रहे हैं और जो चैप्टर है वो किसी और डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ विचारों कथनों और प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, तो जो विचार हैं, कथन है, जो प्रश्न है, जो भी चीज़ें आप पूछ रहे हैं उनमें कोहरेंस हमें दिखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 के बाद आप 5 पे पहुंच गए, 5 के बाद 10 पे पहुंच गए। नहीं, आप पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन, व्हाट देन व्हाई देन हाउ, ऐसे पूछे। ऐसा ना हो कि पहले हाउ पूछ लिया बाद में व्हाट पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं, बेसिक से कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे, है ना, नोन टू अननोन चलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन और प्रयोग। आप इंट्रोड्यूस करते वक्त ये भी देखेंगे कि आपको क्या क्या टीचिंग एड्स जो हैं वो यूज़ होनी चाहिए। टीचिंग एड्स उनकी एज को लेकर के बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, चैप्टर को लेकर के एक्यूरेट होने चाहिए, ईजी होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ उपयुक्त और समुचित अवधि विस्तार। हम टाइम को भी मेंशन करेंगे यहाँ पे, टाइम देखेंगे कि ऑल उस टाइम के अंदर चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाए। देन नेक्स्ट इज़ छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण। ऐसा ना हो कि चैप्टर मोनोटोनस हो रहा है, छात्रों की तरफ आकर्षण जो है उस चैप्टर की तरफ बनना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, है ना। बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए कि हमें ये चैप्टर आगे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अध्यापक में उत्साह और सजगता। और जो भी टीचर पढ़ा रहा है भाई उसके अंदर एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि हाँ मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ही बिल्कुल ऐसे होके जाएंगे कि नहीं भाई मन नहीं है, तो फिर बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करते वक्त हमें इन 8 बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान के हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या जानते होंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत वो जानते हैं, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, जहाँ पे अनिवार्य सामग्री और सहायक सामग्री के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। या उसके बाद हम प्रस्तावना, अब हमने वो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, वो कॉम्पोनेंट्स बनाए थे, उन कॉम्पोनेंट पर बेस करके हम अपने क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रस्तावना और फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे ब्लॉक बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस लिखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा छात्र अध्यापिका ने पूछा कि भाई हमारा देश कब किसका गुलाम रहा है, बच्चों की तरफ से जवाब आया अंग्रेज़ों का। ये घटक लिखेंगे यहाँ पर। इससे क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन कौन से कॉम्पोनेंट को मैच कर रहा है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमने देखा, हमारा देश किसका गुलाम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नों के छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंध, हमने देखा कि पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। ठीक है, कथनों व प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। 2 को भी फॉलो कर रहा है ना। तो ऐसे करके हम ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी किस वर्ष में मिली, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने वाली कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, बच्चों की तरफ से आंसर आया। ऐसे करके हमें ये बनाते चलना है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस पर बच्चे हो जाएंगे चुप, वो होना चाहिए जो कि बच्चे सोचें उसके बारे में। फिर जो टीचर हैं वो कहेंगे कि भाई, वो लिखेंगे उद्देश्य कथन और उसके बाद टीचर बोलेगा कि आज हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो लगाई हमने यहाँ पे और वही जो चीज़ें थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ लिखेंगे। और ये टैली चिन्ह है कि
कौन कितने आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस कर दिया चैप्टर, देन कम्स इज व्हाट, व्याख्या कौशल मतलब एक्सप्लेनेशन। आप चैप्टर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो उसके भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आप चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो आप दिमाग में लेकर चलेंगे। तो क्या क्या होंगे, विचार या कथनों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द, मुहावरे तथा समुचित प्रयोग। मतलब आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो एक कोहरेंस के साथ आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग, एक बहुत क्लियर प्रारंभिक कथन जो है उसका आप यूज़ करें। ऐसा ना हो आपकी लैंग्वेज ही बहुत ही अनक्लियर हो, ऐसा नहीं हो सकता। भाषा में धारा प्रवाह, आप फ्लुएंसी के साथ जाइए, आप ऐसा ना करें कि बीच बीच में तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ना, फ्लुएंट होनी चाहिए लैंग्वेज टीचर की। नेक्स्ट इज उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग, बीच बीच में आप उपयुक्त शब्दों का मुहावरों का प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आप जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी वेग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट इज कथन में तारतम्य होना चाहिए। उसके अलावा असंबंध कथनों का अभाव, है ना, और ये चीज़ों का ख्याल रखना है। छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न, और जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ये चेक करते चलिए कि बच्चा उस चीज़ों को समझ रहा है या नहीं। ये चीज़ें आपको ऐसे की ऐसे लिखनी है। यहाँ भी फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि हम समझते हैं कि छात्रों को इसके बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य और सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में लिखेंगे। अब उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, आप ब्लॉग बनाएंगे, महात्मा गांधी, क्रियाएँ, छात्र की क्रियाएँ, और कौन से घटक जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन ये चीज़ें करेंगे और फिर उन्हीं कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर प्रश्न कौशल आएगा, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग स्किल्स जो हैं उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चनिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, इसमें देखना है संबंधता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सही व्याकरण होना चाहिए, प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रश्न पूछना, इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। और भी अन्य घटक हैं जो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखें।